बीते दिन पहले लालू पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, उसने सिर्फ बिहार में खलबली ही नहीं बल्कि राजनीति का खेल भी साफ साफ जनता को समझा दिया है। ये दर्शा दिया है कि दोस्त कभी दुश्मन नहीं और चोर कभी अमीर नहीं। खैर, महागठबंधन टूटने के बाद नीतीश के विरोध में काफी लोग हैं, जिनमें से कई सारे लोगों ने उनके विरुद्ध बयान भी दिए हैं। इन्हीं में से पप्पू यादव, जो कि लालू यादव के छोटे साले हैं, क्या कुछ कहना है इनका नीतीश को अपनी पार्टी अलग करने पर, आइए आपको सुनाते हैं। अभी जो बिहार में सरकार गिरी है, जो नई सरकार गठन, क्या कहेंगे, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैं बधाई देता हूँ नीतीश कुमार को कि जल्दी से बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिला दे ले ले, और अब दोनों जगह सरकार उनकी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि मैं बेनामी संपत्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहे और बोलते रहे। मैं मानता हूँ कि कुछ भूल लालू यादव से भी है, और इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को तब भी थी जब जीतन राम मांझी को हटाया गया था। उस वक्त भी नीतीश कुमार को जानकारी थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, और लालू यादव जी उस वक्त भी भूल थी। फिर दोबारा जब गठबंधन हुआ था तो उस वक्त भी लालू यादव और नीतीश कुमार को जानकारी थी कि लालू यादव को सजा मिली थी, और लगातार 20 महीने में मैं बार बार कहता रहा हूँ कि कौन सा पॉलिटिशियन है जिसके घर में अकूट पैसा नहीं है, जिसने लूटा नहीं है। जो सीन कटनी पर चोरी पर पकड़ा गया वो चोर कहला गया, जो नहीं पकड़ा है वो चोर नहीं कहला। मेरा सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार जी, आप एक परसेप्शन से जाने जाते थे, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो विश्वसनीयता का संकट नीतीश कुमार जी ने पैदा किया है, नरेंद्र मोदी जी के सामने में एक यदि बड़ा विश्वसनीय चेहरा कोई हुआ करता था विपक्ष का तो नीतीश कुमार जी। और मैं कभी कभी एक बार बड़ा असर करता हूँ, मैं समझता हूँ कि लालू यादव जी के साथ वो असुरक्षा की भावना से घिरे हुए थे। भ्रष्टाचार एक मुद्दा नहीं है, लगातार कई ऐसी घटनाक्रम, लालू यादव जी को रिजिग्नेशन दिला देना चाहिए था, परिवार और पुत्र से निकल नहीं चाहे, और आज बिहार की स्थिति, महागठबंधन की स्थिति और बिहार के 11 करोड़ लोग दुविधा में स्थिति में जीते। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट।